की बात आपके साथ। कर्नाटक के नाटक का असर अब पूरे देश में दिख रहा है। विधानसभा से सर्वोच्च न्यायालय तक चले इस ड्रामे में एक नया मोड़ आ गया है। अब जहां जहां भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, वहां कांग्रेस और उसके समर्थित दल सरकार भंग कर खुद के सरकार बनाने की मांग राज्यपाल से कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्णिया कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध प्रदर्शन किया। शहर के आर्यन शाह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, साथ ही कर्नाटक के नाटक को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है वह अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की हत्या है। उसी तर्ज पर बिहार में भी राजद बड़ी पार्टी होने के नाते वर्तमान नीतीश सरकार को भंग करके राज्यपाल से कांग्रेस के समर्थन में राजद की सरकार बनाने की मांग कर रही है। कि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में राज्यपाल की धांधली और भाजपा की जो धांधली चल रही है, मोनोपोली चल रहा है, ये इसके विरोध में हम लोग ये पुतला दहन किए हैं और देश पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुमत है कांग्रेस के पास और मोदी चाह रहे हैं, कांग्रेस और जेडीएस मिल करके सरकार बना रहे हैं, लेकिन ये लोग इस तरह से मनमानी कर रहे हैं। राज्यपाल जो इन लोगों को पहले बुला करके सरकार बनाने का न्योता दिया, वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट को उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका मैं सम्मान करती हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया है और उन्होंने कल बहुमत प्राप्त करने का ये दिया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह से जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, तो हम लोग मेघालय में जैसे भाजपा 2 सीट लाई, वहाँ क्यों नहीं सरकार कांग्रेस को बनाने दिया गया? वहाँ गोवा, मेघालय, गोवा, मणिपुर, बिहार, सबसे बात है क्या कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस सब मिल करके हम लोग को क्यों नहीं दिया बनाने के लिए? इस तरह का हम लोग भी मांग करते हैं कि फिर से आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनाए।